नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर चिन्मय पाटकर और आज हम बात करने वाले हैं हाई ब्लड प्रेशर इन यूथ के बारे में। ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि ब्लड प्रेशर की बीमारी हाइपरटेंशन सिर्फ बुजुर्गों में दिखती है। दैट इज़ एक्चुअली अ रॉन्ग स्टैटिस्टिक। इनफैक्ट लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक 5 में से 1 युवा को ब्लड प्रेशर की बीमारी है। हालांकि बुज़ुर्गों में सिस्टोलिक बीपी हाई जाती है, यंगर जनरेशन में ये नोटिस हुआ है कि डायस्टोलिक बीपी बढ़ती है और हम इसे यूजुअली इग्नोर कर देते हैं कि हम सोचते कि नहीं, हमें बीपी की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है या फिर हम चेक नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम बिज़ी रहते हैं और अलग अलग कारण होते हैं इसके। पर इसका सही टाइम पर जानकारी रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आगे जाके यही यंगर जनरेशन में विद मिडिल एज बहुत सारी प्रॉब्लम्स डेवलप होती है, जैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसके कारण विद हाई ब्लड प्रेशर फैट स्टार्ट्स डेवलपिंग स्पेशली आपके वेस्ट और चेस्ट एरिया में। इसके अलावा आपकी फिटनेस पे भी बहुत प्रमाण पड़ जाता है, आप सेम इंटेंसिटी से काम नहीं कर पाते हो, टायर्डनेस बढ़ जाती है, पैल्पिटेशंस हो जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। इसलिए आगे जाके आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी स्पेशली यंगर जनरेशन के लिए टू डेफिनेटली चेक करें अपनी बीपी रेगुलरली। कोई भी सिम्टम्स आप एक्सपीरियंस करो तो आपके ट्रीटिंग फिजिशियन के पास जाए, सही टाइम पे टेस्ट करवाए और मेडिकेशन स्टार्ट करें और ख्याल रखिए आपका। थैंक यू। हमारे K360 प्रोग्राम्स आपको अपने शुगर पर नियंत्रण लाना सिखाएंगे एक्सपर्ट्स के साथ। अपनी सेहत पर लगातार नजर रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए। डायबिटीज के साथ बेहतर जीना सीखिए। आज ही कॉल कीजिए